हेलो दोस्तों, ये है एक डिस्चार्ज रड। इसका यूज़ हम सेफ्टी पर्पज़ से करते हैं। डिस्चार्ज रड जो होता है, ये ट्रांसमिशन लाइन्स, केबल, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, बस बार आदि में इसका हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? स्टैटिक और इंड्यूस जो चार्ज होता है उसे डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करूँगा। जब ट्रांसमिशन लाइन में शट डाउन लिया जाता है तो फिर भी इसमें कुछ करेंट कंडक्टर में रह जाता है, जिसके वजह से ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हम इस तरह के डिस्चार्ज रड यूज़ करते हैं और जो करंट होता है उसे ग्राउंड कर देते हैं। तो ये जो आप इसका ऊपर वाला क्लैंप देख रहे हैं, ये कास्ट एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। इसके साथ आपको ये वायर मिल रहा है। ये जो वायर होता है ये 6 mm का है और इसके साथ में एक क्रोकोडाइल टाइप का क्लिप यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और जो इस रॉड की लंबाई होती है वो करीब 18 फीट से लेकर 20 फीट तक होती है, मतलब 6 मीटर के आसपास इसका लंबाई होता है। और जो आपको यहाँ पे रड दिख रहा है जो कि पूरा येलो कलर का है ऊपर से नीचे, तो ये FRP मटेरियल का बना होता है, मतलब फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, इस मटेरियल का ये यहाँ पे बना हुआ होता है। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं? ऐसे हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक 11 kV का कंडक्टर है, लाइन गुजरा है, तो उसे हम इस तरह से यहाँ लगाते हैं क्लैंप को, और उसके बाद इसे इस तरह से मोड़ते जाते हैं। इसे टाइट करना पड़ता है, तो GI का जो वोल्ट है वहाँ पे ये टाइट हो जाता है इस तरह से कुछ, और कंडक्टर में लग जाता है। तो ये टोटल 3 रॉड को लगाया जाता है, 3 रॉड यहाँ पे लगाया जाता है जो कि तीनों फेज में लगता है, RYB। और यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा 2 रॉड दिख रहे हैं, ये एक ही रॉड है, इसे इस तरह से असेंबल किया जाता है। देखिए, इस तरह से असेंबल करके इसका जो लंबाई है, इसका जो लेंथ है उसे बढ़ा लिया जाता है, तो टोटल ये 1 रड बन जाता है। और इसके साथ में और 2 रड यहाँ पे यूज़ में लाया जाता है। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? तीनों रड को तीनों फेज में लगा दिया जाता है, और इसका जो तीनों का वायर जो होता है, जो कि मैंने दिखाया आपको 6 mm का 3 वायर रहेगा, तीनों वायर को नीचे ला के ज़मीन में कोई रड लगा दीजिए, आप लोहा का लगा दीजिए या फिर GI का लगा दीजिए, और उसमें इसमें कनेक्ट कर दीजिए बढ़िया से। तो इस तरह से ये ग्राउंड हो जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये लाइन में हम कहाँ पे इसे लगाएंगे डिस्चार्ज रड को। तो लाइन हमारा जिधर से इन कर रहा है, 11 kV या 33 kV लाइन कोई भी हो, जिधर से इन कर रहा है हमें उधर लगाना पड़ेगा इसे, और इसके अपोजिट साइड में हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा लाइन हमारा कहाँ से इन कर रहा है, किधर से आउट कर रहा है, उसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यूज़ करने में क्या क्या चीज़ हमें यूज़ करना पड़ेगा? सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लैप्स, सेफ्टी जूते हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो रबर ग्रिप है, उसके रबर ग्रिप की सहायता से इसे पकड़ना पड़ेगा और कंडक्टर पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इमेज है जिसमें इस तरह से लाइनमैन काम करता है। तो कभी कभी इस तरह का रड नहीं होता है तो लाइनमैन एक जुगाड़ टेक्निक लगाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या करता है, वो जैसा लाइन इन कर रहा है वहाँ पर कंडक्टर लेके उसे वो वहाँ पर शॉर्ट कर देता है, और उसी कंडक्टर का दूसरा हिस्सा को इस तरह के जो स्टे होता है, तो इंसुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है जस्ट उसके नीचे से यूज़ करना पड़ता है। इंसुलेटर के ऊपर कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे कीजिएगा तो ये ग्राउंड हो जाता है। तो इंसुलेटर यहाँ से डिवाइड कर देता है कि ताकि जो करंट है नीचे ना आए, तो इसलिए इंसुलेटर के नीचे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब देखिए एक तीसरा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का ये जो आपको टेस्टर दिख रहा है, इस टेस्टर को बोलते हैं नन कॉन्टैक्ट टेस्टर, मतलब ये बिना कॉन्टैक्ट में लाए इस टेस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट टेस्टर, तो देखिए यहाँ पे इसका ऑफ मोड होता है, इसके बाद लो और इसके बाद हाई का यहाँ पे लिखा हुआ इंडिकेट किया हुआ रहता है। तो इसे हमें पहले हाई में लगा देना पड़ता है, और उसके बाद जैसे इस तरह का केबल है ट्रांसफार्मर के पास, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का साउंड आपको आएगा, और ग्रीन कलर का यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो शो हो रहा है, और जो साउंड आप सुन रहे हैं इस तरह का ये आएगा। तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ये यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। इसे डिस्टेंस में लेने पे देखिए आवाज़ चला जाता है, फिर इसे नज़दीक पे लाने पे होता है। तो देखिए इसका जो यूज है ये हम लोग 11 kV लाइन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अब ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये हमारा 11 kV लाइन है जिसमें सप्लाई है, तो आप नीचे से खड़े होकर ही हाथ को ऊपर कीजिएगा इस तरह से, तो इसमें इस तरह का आवाज़ आएगा, तो इससे पता चल जाता है कि इसमें करंट है। तो जब भी हम इसमें काम करते हैं 11 kV लाइन या 33 kV लाइन में, तो ये हमें काफ़ी हेल्प करता है।